तार, जाने कब चोरी चोरी आई है बहार, छेड़ मन का सितार, राही मतवाले मुसाफिर पाए वतन में चैन है वैसा तेरे नैन में। घर तेरा अपना घर लागे, जाए कहाँ मन इसके आगे, जाए कहाँ मिली मन की डगर से तेरी गली, मिली मन की डगर से तेरी गली। कभी है गम कभी खुशियाँ, यही तो जिंदगानी है। कभी लब पर हंसी है और कभी आँखों में पानी है। कहते हैं तदबीर से तकदीर बदल जाती है, देखें तदबीर के हाथ राणा हिम्मत सिंह की इस बड़ी हवेली के वारिस की तकदीर को बदल सके या नहीं। मुंह नहीं सेठ, सोफा सोफा तेरी रुई में चार बिनों ने सबसे पहले इनको चुन। हुजूर के लिए पलंग मंगा दूं क्या? माफ कीजिए। सरकार 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 आइए मुनीम जी, आइए आइए।
मुनीम जी। सरकार। क्या सब इंतजाम हो गए? हो गया सरकार। बैठिए बैठिए बैठिए। नाच गाने का वो ठाट हो कि दुनिया याद करेगी छोटे सरकार का जन्मदिन हुआ था। अच्छा, लेकिन वो दूसरी चीजें? बैठिए बैठिए। वो भी सब आ गई सरकार। एक मामूली अटैची दरी, दो चतरे खादी की, तकिया, कंबल, रजाई और एक मामूली सा बिस्तर बंद। कीमत हुई पूरे 68 रुपए और 7 आने। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन मुनीम जी, आपने कमर से कुछ कहा तो नहीं? अभी मेरा दिमाग इतना कमजोर नहीं हुआ सरकार। दिमाग कमजोर नहीं हुआ। अच्छा, तो कमर को मैं खुद ही बताऊंगा। मुनीम जी देखिए, 21 बरस का हो गया लेकिन वही लड़कपन। शाबाश शाबाश। पिताजी देखिए, पिताजी मैंने 5 शमें बुझा दी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कुंवर, निशानाबाजी तो हमारे खानदान का खास हिस्सा है। खुशी तो उस दिन होगी मुझे जब तुम शमें बुझाने की बजाय शमें जलाना सीखोगे। अब मेरा मतलब है खानदान का नाम रोशन करोगे। वो तो पहले ही बहुत रोशन है पिताजी। शहर के बच्चे बच्चे की जबान पर हमारे खानदान की बड़ाई और शराफत का तस्करा है। ये ठीक है, लेकिन नेकनामी जितनी भी हो उतनी ही कम। कुंवर, कल तुम्हारा 21वां जन्मदिन। इस जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता हूं। बंबई भेजना चाहता हूं तुम्हें। बंबई? मगर मैं क्या करूंगा? कुंवर, आज तक तुमने जिंदगी को एक ऊंचे महल के झरोके में से देखा। मैं चाहता हूं कि अब तुम इसे एक मामूली आदमी की हैसियत से भी देखो। उसके लिए तुम्हें अपने आप को छुपाना होगा। किसी को मालूम नहीं यह होना चाहिए कि तुम राणा हिम्मत सिंह के बेटे हो, वरना तुम उन लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकोगे और वो हर बात में तुम्हारी नाजबरदारी करेंगे। और जिस काम के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं वो काम भी पूरा नहीं हो सकेगा। मगर वो काम क्या है पिताजी? तुम्हें अपनी मिल में 150 रुपए माहवार पर एक अप्रेंटिस का काम करना होगा। पिताजी। मुनीम जी। सरकार। ये रहा तुम्हारी नौकरी का परवाना। चलो अब तुम्हारी मां के पास चले। कुंवर, आज से 15 बरस पहले तुम्हारी मां तुम्हें 5 साल का मेरी गोद में छोड़कर हमेशा के लिए चल बसी। उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें मां का प्यार भी देने की कोशिश की। मैं उसमें कामयाब हुआ हूं या नहीं तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है कुंवर। आखिर वो दिन था जिसका इंतजार आ ही गया। आखिर वो दिन था जिसका इंतजार आखिर वो दिन था जिसका इंतजार अहवा अहवा आखिर वो दिन था जिसका इंतजार आ ही गया। तुमको देखा जब तो दिल पर इख्तियार आ ही गया। उम्र भर की बेकरारी हो करार आ ही गया। उम्र भर की बेकरारी हो करार आ। उम्र भर की बेकरारी हो करार अहबा अहबा अहबा। उम्र भर की बेकरारी हो करार आ ही गया।
हो जिंदा, खुदा रखे तुम्हारी जिंदगी, हम बसर कर दे इन कदमों में सारी जिंदगी, हम बसर कर दे इन कदमों में सारी जिंदगी, हम बसर कर दे इन कदमों में सारी, अहवा अहवा बसर कर दे इन कदमों में सारी जिंदगी। तुम हमारे हो तो कब है तुमसे प्यारी जिंदगी, आरजू है तुमको मिल जाए ए हमारी जिंदगी, आरजू है तुमको मिल जाए हमारी जिंदगी, आरजू है तुमको मिल जाए हमारी, अहवा 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 आरजू है तुमको मिल जाए हमारी जिंदगी। शुरू कीजिए ना पिताजी। शुरू करो बेटा। ओम शिवाय नमः। क्या सोच रहे थे आप? यही कि कल तुम्हारे चले जाने के बाद ये बड़ी हवेली बिल्कुल सुनी हो जाएगी। मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगा अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि तुम एक साल बंबई में है। आप इत्मीनान रखिए पिताजी, मैं अपना हर फर्ज पूरा करूंगा। कुंवर बेटे, जानते हो आज पहली बार मुझसे तुम्हारा जीते रहो जीते रहो। बैठो बेटा, बैठो 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 बैठो। पिछले स्टेशन पे दूध लेने के लिए उतरी थी जब तक गाड़ी चल पड़ी। ये झूठ मैं लाख बार सुन चुका हूँ, कोई नया हो तो कहो। मेरे पिताजी बीमार हैं। पिताजी बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक बेटा विदाउट नहीं चलेगा वो ठीक नहीं हो सकता। ये बंदर पुलिस को सुनाना, रेलवे पुलिस को। चल हमको बनाता है बेऔलाद। अरे माई, नौ बच्चों का बाप हूँ, एक आने वाला है बेऔलाद। इस नौकरी में मोटे आदमी का तो बस जनाजा ही निकलता है। चल निकल बात, निकल बच, निकल बच। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं बंबई आने से पहले नहीं उतरूंगा। ट्रेन तुम्हारे बाप की इंजन समेत बंबई तक नहीं उतरूंगा। चल निकल बच।
आप लोग मेरी मदद कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिताजी सचमुच बीमार है, उनका बंबई से तार आया है। तार नहीं, वायरलेस आया होगा। सुनिए बाबूजी, कितने पैसे होते हैं? 7 रुपए 11 आने। तो पैसे मैं देता हूँ, आप रसीद काटिए। जरूर जरूर। नाम बताइए। कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, 7 रुपए 11। ये लीजिए, आपको पब्लिक के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। बाबूजी, पब्लिक दो किस्म की होती है, एक टिकट वाली और दूसरे विदाउट चलने वाली। आज 15 बरस से मेरी लेन देन इन्हीं से होती आई है। हाँ बाबूजी, जेब बटुआ संभालिए, ऐसे उचक के पहले पहले बहुत भोले दिखाई देते हैं। ओ, सीटी बज गई। आप लड़की हैं? खूब उल्लू बनाया सबको। वो टिकट कलेक्टर भी याद रखेगा अगर कोई मिली थी। कुलदीप सिंह, 7 रुपए 11 आने के लिए आपने झूठ बोल दिया कि पिताजी बीमार हैं। उनका तार आया। शोभा, शोभा कौन है आप? तो फिर ये लड़के का लिबास क्यों? मेरा एक मामा है, वो भी मेरे साथ आने को तैयार नहीं था। औरतों के डब्बे में अकेले सफर करते हुए मुझे डर मालूम होता है, इसलिए मैंने ये। अच्छा 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 अच्छा, तो आप सो जाइए, आप सो जाइए। वाले तू छेड़ कुबार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर। छेड़ मन का सितार राही मत वाले, देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली कांचल। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली कांचल। कभी छुपे कभी खिले रूप का निखार, खिले रूप का निखार राही मतवाले। कली कली चूम के पवन कह खिल जा, कली कली चूम के खिली कली भोर से कहे आके मिल जाती मिल जा। कली कली चूम के दिल में सुनी कहीं दिल की पुकार, दिल में सुनी कहीं दिल की पुकार, दिल की पुकार राही मतवाले। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पल के,
बिनी बिनी खुशबू के सावर छल के रागनी दुल्हन डिगी हुई पल के बिनी बिनी खुशबू के सावर छल के ऐसे में नैनो से नैना हो चार जरा नैना हो चार राही मत वाली पूछे एक बार मन का सितार जाने कब चोरी चोरी आई है बहार छे मन का सितार राही मत वाली गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग नमस्ते सर कल की प्रोग रिपोर्ट आउटपुट बोलो 13,600 गज परसों क्या था 13,700 राणा हिम्मत सिंह बड़ी हवेली हिम्मतपुर आपके हुक्म की तामील करूंगा आपका नाम कुंवर है जी हाँ मेरा नाम कुंवर है नमस्ते नमस्ते जिंदगी में पहली बार दो कौड़ी के आदमी की इज्जत अफजाई का मौका मिला है अगर कोई कसर रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा माफ कर दूंगा चलो कुलदीप सिंह बिस्तर उठाओ मेरा नौकर अच्छा 150 रुपए की तनख्वाह में नौकर भी अबे तेरा भी कोई नौकर है ढूंढा था मगर मिला नहीं हाँ और मेरे रहने का क्या बंदोबस्त है इस पे पता लिखा है और दफ्तर पहुँचने का वक्त 10:30 मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ बड़ी खुशी की बात चलो कुलदीप सिंह सुनो बेटी एक दिन पहले पहुंच जाती बेटी मरते समय उनकी जबान पर तुम्हारा ही नाम था राह देखते देखते कल शाम ही दाह संस्कार कर लिया हम लोगों ने आप लोग जरा इनका ख्याल रखिएगा फिक्र न करो बेटा हम लोग यहीं हैं कौन रूही तुम ये क्या बात है मैनेजर साहब मैंने नौकरी के लिए जो चिट्ठी लिखी थी उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया ये बताओ शाम को आ रहे हो ना जरूर लेकिन तररी, तररी, तररी। कितने बजे आ रहे हो शाम को 7:30 बजे वेरी गुड अरे हेलो कौन कांता मेरी बीबी हेलो
हेलो हेलो हाँ नहीं कांता, मैं आज रात को देरी से आऊंगा। हमारे खास व्यापारी आए हुए हैं और हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। क्या खाना? खाना भी इन्हीं के साथ खाऊंगा। हाँ खाना भी इन्हीं के साथ खाऊंगा। क्या करूं कांता, इन्हीं लोगों की खुशी से अपनी जिंदगी चलती है। अच्छा तो मैं आज रात लेट आऊंगा। एक गिलास पानी पिया, दिलासा देना बिचारी को। अच्छा बेटा मैं चलूं। शोभा मैं यहां नहीं रहूंगी। आंखें बंद हुई तो वो यहां लेटे हुए थे, यहां लेटे हुए थे। यहां बैठकर उन्होंने आखिरी बार खाना पकाया। कितनी भूख लगी होगी कि बीमारी में भी उन्होंने अपने हाथों से खाना पकाया। वो खा भी नहीं सके और नहीं रहूंगी। मुझे कहीं छोड़ दीजिए, मुझे किसी यतीमखाने में ले चलिए। मैं रात यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी। वैसे मेरा घर तो है। कहीं भी ले चले आप मुझे। अच्छा अच्छा चलो। हाँ जगह तो बुरी नहीं, क्यों शोभा? कुर्सियां, ओ सोफा, काफी आराम दे। क्यों शोभा? हंसी खुशी से दिन बिसरा दे, काहे बहाए आंसुअन धारा। जयराम जी की बाबूजी, मैं हूँ गंगुआ। आपने तो सुना होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली, पर मैं तेली नहीं जात का कहार हूँ। एक पानी भरता इन मकानों में। शोभा मैं अभी आता हूँ। तूफानों से तू घबराए मत डर मूरख पास किनारा। हंसी खुशी से दिन बिसरा दे, काहे बहाए आंसुअन धारा। बिटिया तुम्हारे पास कोई लोटा गिलास विलास तो है ना? आए? नहीं। ओ अरे चमेली एक गिलास तो लाइयो पानी पीने के लिए। बाबा इस लड़की के पिताजी गुजर गए हैं। ओह इसलिए इसके रहने का कोई। मैं समझ गया बाबूजी, घबराने की कोई बात नहीं। ये बिटिया अपनी बच्ची की तरह है, अरे हमारे पास रह लेगी। बड़ी मेहरबानी बाबा तुम्हारी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। ये रहा गिलास। दुख के बादल छट जाएंगे, हो जाएगा फिर उजियारा। हाय हाय लोगों घर गाने ना गाया करो। बाबूजी ये है चमेली और मेरी मेरी बीवी। कोई जरूरत हो बिटिया तो मुझे खबर कर दीजो। हाँ चलो चलो। Thank you.
घर में एक ही गिलास है शोभा, पहले तुम पी लो। पी लो शोभा। ये लो। ओहो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? अच्छा पहले थोड़ा सा खा लो कुछ। देखो क्या क्या लाया हूं, तो खा लो शोभा, मुझे अकेले खाते बुरा नहीं लगेगा, तुम भी तो साथ खाओ। ओम शिवाय नमः। शोभा, शोभा हिम्मत से काम लो। शोभा लड़की को आसरा दिया, ठीक है, लेकिन अभी उम्र कच्ची है, कहीं अनजाने में कुछ कर बैठा तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मुनीम जी। जी सरकार। मैनेजर साहब को लिखिए कि वो कुंवर का पूरा पूरा ध्यान रखें। जो आ गया सरकार। कम इन, तशरीफ रखिए। तबीयत? शुक्रिया। काम काज तो ठीक चल रहा है ना? जी। कोई शिकायत? शिकायत किस बात की? तुम ड्यूटी के बाद क्या करते हो? दफ्तर से तो सीधा घर ही जाता हूँ। घर? घर जाकर क्या करते हो? घर? क्या इस सवाल देना जरूरी है? अगर नौकरी की खैर चाहते हो तो
तो सुनिए, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? कौन लड़की है वो? खूबसूरत है, जवान है, ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे बाल और पतली कमर है। बिल्कुल। वाह वाह वाह, फिर क्या इरादा है? शादी। शादी? क्या बेवकूफी, जहालत है, मैं शादी आदि में नहीं मानता। मैं आप जैसा आदमी नहीं हूं। माफ कीजिएगा। आज तुम दफ्तर कैसे चली आई? जानती हो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई कुछ बोलो तो सही। ये तुम्हें कहां मिल गया? आपके कोट की जेब में। रूही? ये रूही कौन है? यही मैं जानना चाहती हूं। अब मैं समझा। चलो हंस भी दो मेरी मुन्नो, उस रोज क्लब की भीड़ भाड़ में ना जाने किसका रुमाल उठाकर जेब में डाल लिया। रूही, रूही नाम वाली से तो मैं कभी बात भी नहीं करूं। हाँ चलो अब तो कुछ बोलो। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। बड़ी प्यारी अंगूठी है। शुक्रिया। ये सब क्या है? तुमने तो घर की सूरत ही बदल डाली। ये सब किस लिए किया? कहीं ऐसा तो नहीं शोभा कि मेरे फर्ज को तुम एहसान समझ बैठी? और नहीं तो फिर? तो फिर सब किस लिए किया शोभा, बताओ ना। घर तेरा अपना घर लागे, जाए कहां मन इसके आगे, जाए कहां मिली मन की डगर से तेरी गली, मिली मन की डगर से तेरी गली। जैसे मुसाफिर पाए वतन में चैन है वैसा तेरे नैन में, जैसे मुसाफिर पाए वतन में चैन
वैसा तेरे नैन में, चैन है वैसा तेरे नैन में। मिली मन की डगर से तेरी गली, मिली मन की डगर से तेरी गली। हाथों में जो हाथ है तेरे, जैसे मन साथ है मेरे। हाथों में जो हाथ है तेरे, जैसे मंजिल साथ है मेरे, जैसे मंजिल साथ है मेरे। राही तेरी गली जब से आए, आके यहाँ नित डगर से तेरी गली, मिली मन की डगर से तेरी गली। घर तेरा अपना घर लागे, जाए कहाँ मन इसके आगे जाए कहाँ। मिली मन की डगर से तेरी गली, मिली मन की डगर से तेरी गली। कोई काम है आपको? काम तो कुछ नहीं, यूं ही जरा देखने भालने चलाया था। देख लिया ना? हाँ भाई देख तो लिया, खूब तरीका निकाला है ये कुलदीप सिंह। मैं क्या मतलब है आपका? क्या चाहते हो? चाय। चाय के चाह? अच्छा हम दोनों की तरफ से तुम पी लेना। मैंने कहा दीप सिंह। आज ये एक आदमी की आवाज थी, कल ये दुनिया भर की आवाज बन गई। तो ये क्या करती हो शोभा, ये क्या करती हो? तुम जैसे देवता को लोग मेरी वजह से बदनाम करें, ये मैं नहीं सह सकूंगी। छी शोभा, तुम ऐसी बातों की परवाह क्यों करती हो? दुनिया में कैलाश जैसे जितने भी हिंद पर लानत भेजो शोभा, लानत भेजो, लानत भेजो। मेरी सोने की घड़ी लाओ। आज भी ये जरूरी है कि आप बाहर खाना खाएं? कह तो चुका हूं, कोट लाओ। ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी? अरे भाई व्यापारी की मर्जी है, जब आने दे। मेरी मर्जी का तो ख्याल ही नहीं आपको। बीवी हूँ आपकी। रुमाल लाओ। आप तो कहा करते थे कांता मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तो क्या करूं, मर जाऊं? ज्यादा सवाल पूछने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बीवी जी, खाना दोनों का लगाऊं या एक का? किसी का नहीं।
एक मिनट शोभा, जरा चिट्ठी लिख लो। ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए ना। ये चिट्ठी मुझे आज रात को ही डाक में डालना है। ऐसा भी क्या जरूरी है? प्यारे दोस्त, मेरे कहने पर तुमने एक अच्छा बर तलाश कर लिया, ये जानकर खुशी हुई। बर तलाश कर लिया? तनख्वाह के बारे में जो तुमने लिखा है कि 150 है, सो है तो कम, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़की 150 में ही घर संसार को स्वर्ग बना देगी। मेरा ख्याल है मंगनी जल्द हो जानी चाहिए। मंगनी किसकी? तुम्हारी। क्यों? वाह, क्या मेरा कोई फर्जी नहीं तुम्हारी तरफ? टिकट कहाँ है? टिकट मैं एक मिन्नत करती हूँ आपसे, आप मेहरबानी करके मेरे लिए कुछ न कीजिएगा। क्यों, क्या बर पसंद नहीं आया? टिकट पिताजी, शोभा के बारे में पहले भी आपको लिख चुका हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़की मेरे घर संसार को स्वर्ग बना देगी। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आप शोभा को अपनी बहू मान लें। क्यों पढ़ी मेरी चिट्ठी तुमने? बोलो, क्यों पढ़ी मेरी चिट्ठी? अरे शोभा, शोभा बिटिया, अब चलो सोने के लिए वक्त हो गया। खाना खा लीजिएगा। शोभा से शादी करना चाहता हूं। शोभा से शादी? मुनीम जी, जरा आखिरी सतरंग तो पढ़िए। अप्रेंटिस कुंवर और इस लड़की शोभा के ताल्लुकात शरीफ इंसानों के से नहीं हैं। आपका मैनेजर कैलाश। शरीफ इंसानों के से नहीं है? शरीफ इंसानों के से नहीं है? नहीं। मुनीम जी, जवाब लिखिए। प्यारे कुंवर, मैं जानता हूं कि तुम अब जवान हो गए हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। अगर तुमने शोभा से शादी करने की जिद पूरी की तो हम दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे खानदान की बेइज्जती है। ना जाने तुम उसे कहां से उठा लाए हो। वो कौन है, कहां से आई है? जिस लड़की के मां बाप का कुछ पता नहीं, मैं उसे कभी अपने घर में नहीं घुसने दूंगा, कभी नहीं घुसने दूंगा। पिताजी, पिताजी। खैरियत तो है? खैरियत है शोभा, सब खैरियत है शोभा, सब खैरियत है। एक बात पूछूं शोभा? पूछिए। जिंदगी के हर दुख सुख में, हर मुसीबत और परेशानी में, चाहे वो जैसी भी हो, तुम मेरा साथ दोगी ना? मरते दम तक। शोभा, शोभा, तो फिर चलो, तो फिर चलो, हम शादी करेंगे शोभा, हम शादी करेंगे शोभा। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराम बलम चंद्र बलं तदेव विद्या बलम दैव बलं तदेव लक्ष्मीपति ते गृहं स्मरामि अग्ने स्वाहा अग्ने नमः। ये अंगूठी मेरे खानदान की निशानी है शोभा, और आज से तुम्हारे हाथ में ये हमारे प्रेम की निशानी बनकर रहेगी। आज हम एक दूसरे के इतने करीब हो गए हैं, मैं डरती हूँ कल कहीं दूर ना हो जाए। दूर? वो कभी दूर नहीं होते शोभा, जो दिल में रहा करते हैं।
दूर होते नहीं जो दिल में रहा करते हैं, दूर होते नहीं तेरे कदमों में रहे हम ये दुआ करते हैं, तेरे कदमों में रहे अब मिला से मिला करते हैं तेरे कदमों में रही हम वो राही है जो खुश है के जली शम्मे वफा, हम वो राही है जो खुश है के जली शम्मे वफा, राह का शिकवाना मंजिल का गिला करते हैं दूर होते नहीं साहिल से भी तूफान उठा करते हैं तेरे कदमों में रही इनके चुनते हैं वही जिनको नशे मन की हो धुन, तिनके चुनते हैं वही जिनको नशे मन की हो धुन, दुख जो सहते हैं वो आखिर को हंसा करते हैं, दुख जो सहते हैं वो आखिर को हंसा करते हैं दूर होते नहीं जो दिल में रहा। बीबी जी कब तक इंतजार करेगी, कुछ खा लीजिए। जरा ठहर जाओ, वो आते ही होंगे। हो सकता कि न भी आए। मतलब? मतलब मुझसे न पूछिए, मेरी नौकरी, मैं गरीब आदमी हूँ। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, बोलो बताओ। मैनेजर साहब का एक दूसरा मकान है, जहां वो रात को, आप मेरी माँ बहन समान है, मैं कैसे कहूं? पता क्या है, बताओ पता क्या है। गजब किया कान सोतना घर ना जा ओ मोर सैया, सोतना घर ना जा ओ मोर सैया, सोतना घर ना जा मरना घर ना जा ओ मोर सैया, सोतना घर ना thank you.
देख लिया, अच्छा हुआ। मगर ये सब कुछ मेरे होते हुए। तुम हो कौन? मैं आपकी बीवी हूँ। झूठ। और वो शादी? झूठ। और वो पंडित? ये सब धोखा था। मगर मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ, मुबारक हो, लेकिन मैं उसे अपना नहीं सकता। गेट आउट। आज दुनिया अपनी है शोभा, जो दिल चाहे खरीद लो, मगर सिर्फ 5 रुपए में। हाँ 5 रुपए में? हाँ। अच्छा तो वही जो मैंने कहा था, सेंट। सेंट? अच्छा साहब, तो फिर कोई सेंट दिखाइए। जी देखिए, जो दवाई आप चाहती हैं वो खतरनाक जहर भी है, जो हम डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं दे सकते, इसलिए अफसोस है। वो शीशी दीजिएगा, देखिए वो काली शीशी बराबर जो रखी हुई है। हाँ। ओ, आप? नमस्ते, शोभा मेरी बीवी है, आज ही हम दोनों की शादी हुई है। शोभा। नमस्ते। शोभा कुछ सेंट खरीदना चाहती थी तो हम लोग यहाँ चले आए। भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखे। शुक्रिया। हमेशा सुखी। लीजिए सर। क्या कीमत है इसकी? 4 रुपए 12 आने। 4 रुपए 12 आने। आइए आइए आइए। क्या आपने मुझे बुलाया है? हाँ, माफ कीजिएगा, बड़ी तकलीफ दी आपको। बैठिए बैठिए। शुक्रिया भाई, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी तो आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? जी हाँ, और मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मगर मुझे तो राणा साहब ने। जी हाँ, मैं भी उन्हीं के हुक्म से तुम्हें निकाल रहा हूँ। विल यू प्लीज गेट आउट। हाथ से थाली गिर गई, अब शगुन तो नहीं? छी, ऐसी बातें मुझसे ना निकालो, खाना था फिर बन जाएगा। तो तुम्हें नौकरी चाहिए? जी हाँ। शॉर्ट हैंड जानते हो? जी नहीं। टाइपिंग? जी वो भी नहीं जानता। अकाउंटिंग, बुककीपिंग? जी नहीं, मगर मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदारी और बिजनेस। नमस्ते। देर हो गई, अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटी, कहीं काम पड़ गया होगा। देखिए, मैं नौजवान हूँ, शरीफ हूँ, मेहनती हूँ, आप जो काम भी देंगे मैं अच्छी तरह से करूँगा। करोगे? जी हाँ। तो मेहरबानी करके। शोभा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम्हें याद नहीं ना? न घबरा, आसमां पर छा गया है आज अगर बादल, के ये बादल ही चंदा के निकलने की निशानी है। अरे भाई तंबोली, पान तुम्हारे बड़े मरझिल्ले हो रहे, तंबाकू में भी पहले सा झटका नहीं रहा। पैसे नगद दो तो इस लड़ाई के दिनों में बम जैसा पान खिला दूं, पिछली रकम का पता नहीं। हाँ 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 हाँ, पिछली रकम भी चुका देंगे, पहले लड़ाई का फैसला तो हो जाने दो भाई। अब आप हिंदुस्तानी में खबरें सुनिए,
अभी अभी खबर आई है कि HMS बहादुर दुश्मन की बमबारी से डूब गया। ये जहाज पिछले दिनों बम्बई से हिंदुस्तानी फौजियों को लेकर बीच पूरब के लड़ाई के मोर्चे की तरफ जा रहा था। रॉयटर की एक खास खबर से मालूम हुआ है कि करीब करीब तमाम फौजी डूब गए। ये झूठ है। मैं नहीं मानती। ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर वापस आएंगे। कुंवर की माँ तेरा कुंवर चल बसा। मुनीम जी शोभा को यहाँ बुलवा लीजिए। कुंवर की माँ बहू रानी पहली दफा इस घर में आ रही है विधवा बनकर। सिंदूर तक नहीं पहुंचा बेचारी ने। बिटिया बिटिया कहाँ जाओगी? जहां से आई थी बाबा। बिटिया सुनो, कुछ दिन के लिए हमारे पास रुक जाओ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बाबा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये सब उनकी चीजें मैं यहीं छोड़ देती हूँ, तुम ख्याल रखना, वो एक दिन जरूर आएंगे। ओह शोभा देवी तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कहते हैं कि अपने गांव चली गई है। वहां एक बुढ़ा था, उसने बताया कि पंजाब में से गई है। अच्छा लिखो एक टेलीग्राम, बहू रानी आज शाम को पंजाब मेल से चली गई है। अकेली हो? तुम्हारे पति? लोग कहते हैं कि वो मर गए हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। इसीलिए ये सिंदूर और टीका नहीं मिटाती मैं। क्यों मिटाऊं? जाते हुए उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी थी और कहा था, शोभा तुम्हारा कुंवर जरूर आएगा। देखो। हाँ, ये मैंने उनके हाथ में देखी थी। अजीब किस्मत की खेल।
सबको ड्रेसिंग कर चुके जी। भगवान की बड़ी मेहरबानी है जो इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी जख्मियों की तादाद में इतनी कमी है। एविडेंस दे चुके जी। कौन आया? क्यों नहीं आएंगे? खबर चारों तरफ फैल चुकी है। मुनीम जी, ये सब कुछ देख के मेरा दिल बैठा जा रहा है। भगवान साथ देंगे सरकार, चलिए चलो चलो। नमस्ते राणा साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या तुम बचाओ दादाजी? सरकार सरकार, अंगूठी, त्रिशूल वाली अंगूठी। मुनीम जी उठाओ बाबू रानी को, उठाओ जल्दी ठीक है। ये चिट्ठी ले जाइए, कल्याणी आश्रम में आपको जगह मिल जाएगी। मेहरबानी मेहरबानी। कोई बात नहीं बहू रानी, भगवान की बड़ी मेहरबानी है जो ये हमारी खानदानी अंगूठी तुम्हारे हाथ में थी, वरना हम तुम्हें कैसे पहचानते? अगर तुम भी मेरे कुंवर की तरह कहीं खो जाती तो ये बड़ी हवेली हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाती। के अरसे में दुनिया वालों ने मुझे कितना खुश समझा है, लेकिन किस तरह बताऊं कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। बेटा आज घोड़ा बहुत थक गया है। चाबुक खिलाऊं क्या दादाजी? चाबुक? बेटा जिंदगी में बहुत चाबके खा चुका हूँ। अरे तू बड़ा शरीर है, चलो उठ बेटा। कोई बात नहीं बहू रानी, आखिर बच्चा है ना। क्यों बेटे आज तो खूब खेले हो ना। लो ले जाओ इसे, भूख लगी होगी। चलो बेटा। दादाजी खाओ बेटा खाओ। हाँ जरा ठहरो बहू रानी, बच्चा समझदार हो गया है, इसे त्रिशूल पूजा सिखा दो। त्रिशूल पूजा? हाँ हाँ बहू रानी, त्रिशूल पूजा। छोटे सरकार हमेशा खाने से पहले त्रिशूल बनाया करते थे। हाँ। आपने तो देखा होगा,
हाँ हाँ देखा तो था। मैं अभी सिखा देता हूँ। बेटे यूं उंगलियों को त्रिशूल बना लो, तीन उंगलियों, और खाने से पिछा त्रिशूल पूजा किया करो, समझे? खाओ खाओ। मुनीम जी। जी सरकार। मेरे ख्याल में आप बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम कर देना चाहिए। जी सरकार, मैं बंदोबस्त करता हूँ। लिखो बेटा। पढ़ो बेटा। ओम ओम। चिरंजीव हो बेटा, खूब पढ़ लिख कर अपने खानदान का नाम रोशन करना। बहुरानी, जब मेरे कुंवर ने तालीम शुरू की थी तो उसकी माँ ने कल्याणी आश्रम में जाकर कपड़े और मिठाई बांटी थी। मैं चाहता हूँ कि कल इस खुशी के मौके पर तुम भी उसी तरह कल्याणी आश्रम जाओ और गरीब बच्चों और औरतों को उसी तरह मिठाई और कपड़े बांटो। जी पिताजी। आपकी लोगों की मेहरबानी है देवी जी कि आश्रम चल रहा है। चलिए मैं अपने हाथों से बांट दूं। जरूर आइए। तशरीफ रखिए। नमस्ते। नमस्ते। भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखे। अकेली हो? नमस्ते। 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 आप तुम यहां कैसे? इनकी मेहरबानी से मुझे यहां आश्रय मिल गया, वरना बड़ी दुखी है बेचारी। लो शोभा, नमस्कार करो। ठहरो,
मैं शायद इनको जानती हूँ, इनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या मैं इनको आपके ऑफिस में ले जा सकती हूँ? बड़ी खुशी से। जाओ शुभ, जाओ। आओ। तो तुमने मुझे पहचाना है? जी हाँ, मैं उदास थी उस दिन और आपने मुझे दिलासा दिया था रेलगाड़ी में। मैंने सोचा था कि तुम शायद मर गई हो। मर ही जाती तो अच्छा होता, लेकिन अपने बच्चे की किस्मत से बच गई मैं। बच्चा? जी हाँ, अब तो वो 5 साल का होने वाला है। आप देखिएगा उसे। हाँ, आइए ले लो बेटा। अरे तुझे तो अब भी बुखार है, कई दिनों से बुखार आ रहा है इसे। नमस्ते। नमस्ते। समझ में नहीं आता क्लो। जी नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो मैं खुदा कर मांगूंगी आपसे। जरूर मत आना, क्यों खामखा तकलीफ होगी? अगर जरूरत हुई। अच्छा शोभा, नमस्ते। सब कुछ ज्यादा हो गया तो मैं डॉक्टर कहां से लाऊंगी तेरे लिए? ओ, जल रहा है बुखार से, अगर कहीं कुछ हो जाए तो क्या करूंगी? मैं जी को क्या जवाब दूंगी? अब आगे सो जा। सो जा मैं कहती हूं। मां मेरे लाल, सो जा मेरे बेटे, सो जा। जब तक मुझे कहानी नहीं सुनाओगी मैं सोऊंगा कैसे? नहीं सुनाओगी? हाँ बेटा, और है ही कौन सुनने वाला। तारों की नगरी से चंदा ने एक दिन धरती पे आने की ठानी। सुन मेरे मुन्ना कहानी। पहने शबनम के गहने, लहरों में आई रवानी। सुन मेरे मुन्ना कहानी।
उठेगी निंदिया टूटेगा सपनों का खेल देखो टूटेगा सपनों का खेल इतने में चंदा बढ़कर यूं बोला इतने में चंदा बढ़कर यूं बोला मेरा जा तू मेरी रानी सुन मेरे मुन्ना कहानी लेकिन ये दुनिया प्रेमी की बैरन हाय लगा दी नजरिया सजनी से बिछड़े सांवरिया हाय सजनी से बिछड़े सांवरिया अब तक खड़ी है पथ पर चकोरी अब तक खड़ी है पथ पर चकोरी लेकर पिया की निशानी जब तक ना वापस आएगा चंदा जब तक ना वापस आएगा चंदा पूरी ना होगी कहानी मुन्ना पूरी ना होगी कहानी सो जा पूरी ना होगी कहानी सो जा पूरी ना होगी कहानी अब मैं भी क्या करूँ डॉक्टर नहीं दवाई नहीं पैसा नहीं इतने सारे लोगों का पेट बड़ी मुश्किल से भरता है करूं क्या क्यों रे क्या हुआ बुखार बढ़ गया बेहोश है शोभा देर मत करो कोई फायदा नहीं होगा बड़ी हवेली की बहू रानी ने तुमसे कहा था कोई तकलीफ हो तो बड़ी हवेली आ जाना चलो इसे जल्दी से पहुंचा दे काश एक दिन ऐसा भी हो कि दरवाजा खुले और तुम सामने खड़े हो बहू रानी जी बहू रानी जी कौन बहू रानी जी कौन ठहरो 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 बच्चा गिर जाएगा लाओ मुझे दे दो लाओ लाओ इसे तो बुखार हो रहा है कहते हैं कि निमोनिया है इसे निमोनिया मिश्रा नहीं आओ तुम मेरे साथ कहां से आई हो तुम बहू रानी ने कहा जब कोई तकलीफ हो बड़ी हवेली आ जाना इसीलिए मैंने आया अच्छा किया लो मिश्रानी बच्चे को और उन्हें बहू रानी के पास ले जाओ 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 शोभा तुम मैंने तो कहा था कि जब जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना सबने कहा तुम बड़ी हवेली पहुंच जाओ वरना तुम्हारा बच्चा मेरे पृथ्वी को निमोनिया हो गया है ओह तो इसे जल्दी लेटाना चाहिए बहू रानी हाँ मेरे कमरे में बहुत जगह है वहां चलते हैं हाँ ठीक है चलो वहीं चलते हैं चलो शोभा बस सरकार ज्यादा थकान हो जाएगी कोई बात नहीं मुनीम जी आओ बेटा आज तो मैं बहुत थक गया हूँ मुनीम जी मैं भी सवारी करूँगा दादाजी मैं भी सवारी करूँगा दादाजी अरे जा बड़ा आया सवारी कर मुनीम जी चुप रहो आओ बेटा आओ आओ चलो बेटा आओ डरो नहीं आओ आओ बेटा आओ 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 सॉरी करोगे बेटा
जरूर, देखो कितना मजबूत घोड़ा है। शाबाश शाबाश बेटे। चल घोड़ा, चल घोड़ा, चल चल घोड़ा, चल घोड़ा, चल घोड़ा, चल 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 घोड़ा, चल घोड़ा, चल घोड़ा, चल 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 घोड़ा, चल घोड़ा, चल घोड़ा। आप इसे उतार दीजिए सरकार। चल घोड़ा, चल चल घोड़ा, आप इसे उतार दीजिए सरकार, आप थक जाएंगे। नहीं मुनीम जी, ये बच्चा तो बड़ा हल्का है, आओ बैठ जाओ, ना जाने मुझे इसका बोझ क्यों महसूस नहीं होता। मुनीम जी, आज मेरे सीने में फिर वही तड़प पैदा हो रही है जैसी कि बचपन में कुंवर को उठाते समय हुआ करती थी। कितना प्यारा बच्चा है ये। चलो बेटे चलो, तुम्हें घर छोड़ा हूं। बहुरानी जी, क्या है? वो प्रीति है ना, शोभा का लड़का, बड़े सरकार को घोड़ा बनाकर सवारी कर रहा था। पिताजी ने उसको अपने पीठ पर उठा लिया था। हाँ, मुझे तो बड़े सरकार का डर ना होता तो उसे कान से पकड़कर अपने कमरे में ले जाती। चल बेटा, तेरी किस्मत में खेलना नहीं है, चल चल के पड़ा बैठ जा। बहुरानी, वो जो बड़ों ने कहा है ना कि पेड़ में जितना ज्यादा फल होगा उतना ही झुका रहेगा, सो लाने सच कहा है। और फिर मैंने तो मेरी आंखों से देखा, बड़े सरकार ने उस गरीबनी के बच्चे को पहले पीठ पर सवार किया और फिर उंगली पकड़ उसके कमरे तक पहुंचाने भी चले गए। उसके कमरे तक पहुंचाने चले गए? जी, इसे कहते हैं रईस की मेहरबानी। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम विधवा हो। नहीं ठाकुर साहब, लोगों के कहने से क्या होता है, मुझे यकीन है कि वो जिंदा है और वो एक दिन जरूर आएंगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि वो जरूर वापस आएंगे और वो कभी झूठ नहीं कहते थे। वो क्या करता था? मिल में काम करते थे। मिल में? फिर? फिर एक दिन बिना कसूर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद? उन्होंने कहा मैं तुम्हें भूखों नहीं मरने दूंगा, जाकर फौज में नाम लिखवा लिया। जब वो समंदर पार करने लगी तो उनके जहाज पर बस और नहीं और नहीं और नहीं। पिताजी, बहुरानी, बहुरानी, मुझे यहां से ले चलो बहुरानी, मुझे यहां से ले चलो बहुरानी, ना जाने आज मेरे दिल को क्या हो रहा है। दादाजी, क्या हुआ दादाजी? जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान तेरे पिता को जल्दी वापस ले आए, जल्दी वापस ले आए। अजीब बात है, तुम्हारी और उस लड़की की कहानी बिल्कुल एक जैसी है बहुरानी। क्या हुआ सरकार? मुनीम जी, क्या दुनिया में सब बाप मेरी तरह ही पत्थर दिल है जो अपने बेटों को इतनी सख्त सजा देते? काश ऐसा ना होता। ये सिर्फ धोखा है सरकार। कुछ भी हो मुनीम जी, कुछ भी हो, अब मैं ये नहीं सह सकता। कहां तक अपने दुख को छुपाकर हंसता रहूंगा? बर्दाश्त की भी तो कोई हद होती है। ये तो अंधेर है मुनीम जी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की हर चीज ने मुझे सताने की साजिश कर रखी है। नहीं नहीं मुनीम जी, इस अंधेर को दूर करना ही होगा, दूर करना ही होगा। अंधेर दूर हो जाएगा पिताजी। क्या बात है, आप कुछ घबराई हुई दिखाई देती हैं। नहीं तो? कुछ तो जरूर है बहुरानी। कह तो दिया मुनीम जी, कुछ नहीं है। वो मैं समझा उस गरीबनी की कहानी सुनकर आपको बड़ी परेशानी हुई होगी। ठीक तो है, ये खेल ही ऐसा है, किस्मत एक हाथ से तख्त पर बिठाती है और दूसरे हाथ से नीचे गिरा देती है। बड़े सरकार ने बुलाया है आपको। अभी आइए।
मुझे भी अपने साथ ले चलोगी ना? पता नहीं बेटा, अगर दुनिया मुझे सजा दे तो बेटा तुम उनके साथ शामिल मत होना। अकेले किसी जगह बैठकर मेरे लिए हमदर्दी के तो आंसू बहाना, कहना कि दुनिया ने मेरी माँ को देवी नहीं बनने दिया और उसकी अपनी आत्मा ने उसको डायन नहीं बनने दिया, दो शोलों के दरमियान तड़पते तड़पते मर गई। आइए बहू रानी जी, आइए। बैठो बहू रानी। मेरी आंखों के सामने जो अंधेरा था वो बिल्कुल दूर हो गया। आज मुझे हर चीज साफ साफ नजर आ रही है और मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि अपना फर्ज अदा करूं। मुनीम जी, आप मेरे अफसरों और मेरे मैनेजर को फौरन तार कर दीजिए कि वो लोग यहां पहुंच जाएं। मैं उनकी मौजूदगी में अपनी सारी जायदाद अपने पोते मनोहर के नाम कर देना चाहता हूं। जो हुक्म सरकार। सुना बहू रानी, उठिए प्रणाम कीजिए सरकार को, प्रणाम कीजिए। ठीक ठीक पानी मुनीम जी। मिश्रा जी, बहू रानी, बहू रानी, होश आ गया, होश आ गया। उस गरीब लड़की की आप बीती सुनकर बहू रानी के दिल पर बहुत असर हुआ है सरकार। हो सकता है मुनीम। साहिबान, आप सबकी मौजूदगी में मैंने अपनी सारी जायदाद अपने पोते मनोहर के नाम लिख दी है और उसके जवान होने तक मिस्टर कैलाश उसके गार्डियन रहेंगे और सारी जायदाद की देखभाल करेंगे। आज के बाद आप सबको कैलाश जी की राय के मुताबिक काम करना होगा। चलिए कैलाश जी, आपकी बहू रानी से मुलाकात करा दूं। ये मेरे लड़के का कमरा है, हर चीज वैसे ही रखी है जैसी कि वो छोड़ गया था। मैंने आपके बेटे की शान में बहुत बड़ी गलती की है, उसकी माफी चाहता हूँ। आपने सिर्फ मेरे हुक्म की तामील की थी। पिताजी आओ, आओ बहू रानी आओ। ये है हमारी बहू रानी और अपने श्री कैलाश। नमस्ते। मनोहर के जवान होने तक आप ही सारी जायदाद और कारखानों की देखभाल करेंगे। मुलाकात हो चुकी होगी? जी हाँ। जोड़ो कि अगले जन्मदिन से पहले तुम्हारे पिताजी आ जाए। लो ये फूल और ये मिठाई, जाकर राणा साहब को दे आओ। निजी के लिए है, तुम ये दे आओ जाकर। प्यारी कांता, तुम्हें यहाँ एक अरसे के बाद देखकर पुरानी याद ताजा हो गई है। आज रात को 2 बजे मेरे कमरे में आकर मिलो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुम्हारा कैलाश। ये चिट्ठी तुम्हें किसने दी है? मैनेजर साहब। कुछ कहा तो नहीं? जी हाँ। क्या बोले? जायदाद के बारे में कुछ लिखा है। हाँ, जायदाद ही के बारे में कुछ लिखा है। अच्छा तुम ऐसा करो, जरा जाकर देखो मनोहर क्या कर रहा है।
आओ 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 बेटा आओ। सरकार आज पृथ्वी का जन्मदिन है, आपको मिठाई खिलाने आए हैं। आओ बेटा जीते रहो, आओ मिठाई लाए हो। लो हमने खा लिया, अब तुम खाओ। पसंद है? ये कौन है? मेरा बेटा। चलो बेटा बैठ के मिठाई खा लो। नीचे नहीं बेटा, नीचे नहीं, इस कुर्सी पे बैठो। शाबाश। ओम शिवाय नमः। ये क्या बनाया? त्रिशूल। त्रिशूल किसने सिखाया है तुम्हें? माँ ने। वो कहा करते हैं खाने से पहले मेरे पिताजी ऐसे ही करते थे। मुनीम जी। सरकार। कुछ सुना आपने? बहुरानी, 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 बहुरानी। जी क्या हुआ पिताजी? बड़ी अजीब बात है बहुरानी, वो जो गरीब लड़की है ना, उसका बेटा खाने से पहले त्रिशूल बनाता है। त्रिशूल मैंने खुद देखा है, इसमें जरूर कोई ना कोई बात है, जरूर कोई ना कोई बात है, जरूर कोई ना कोई बात है। बहुरानी जी, कुछ सोचने से पहले मेरी बात सुनो। सुनोगी ना शोभा? तुम जरूर सुनोगी। याद है जब पहली बार मैं तुम्हें दवा खाने में मिली थी, तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, तुम उनके साथ सेंट खरीदने के लिए गई थी और मैं वहां जहर खरीदने के लिए गई थी। शोभा मैं मां बनने वाली थी और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। शोभा सुन रही हो? फिर रेलगाड़ी उलट गई थी और अंधेरा छा गया था। जब मैं होश में आई तो मैं यहाँ पहुंच चुकी थी। राणा साहब ने यह बताया कि उसी अंगूठी की वजह से मैं बहुरानी मानी गई हूँ। शोभा मुझे यकीन था कि तुम मर गई हो, मुझे यकीन था कि तुम मर गई हो। सिर्फ यही बात नहीं थी, एक और एक जंजीर थी जिसने मुझे जकड़ लिया था। यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, पृथ्वी और मेरा मनोहर दोनों कितने खुश हैं। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे किसी बदनसीबी की वजह से पृथ्वी की सारी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाए? क्या तुम चाहोगे कि पृथ्वी बड़ा हो, उस पर लोग ताने कसे कि उसके पिता का कोई पता नहीं है? नहीं, तुम नहीं चाहोगी, इसलिए कि तुम माँ हो और माँ का दिल रखती हो। शोभा मैंने जो कुछ किया है अपने बच्चे के लिए किया। ये देखो शोभा। ये लो शोभा, ये लो, किस्मत ने जो कुछ तुमसे छीन कर मुझे दिया है मैं तुम्हारे कदमों पर रख देती हूँ। ले जाओ शोभा ले जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा है। सिर्फ एक ही बात है, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ शोभा। मेरे बच्चे को दुनिया के नजरों में मत गिराना, मेरे बच्चे को दुनिया के नजरों में मत गिराना। शोभा मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। तुम्हारी अच्छाई बुराई का फैसला मैं नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र दे। मैं सिर्फ तुमसे एक चीज मांगूंगी, अगर वो मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी।
बोलो शोभा। इस सारे घर में सिर्फ एक ही चीज मेरी है, और जो कुछ भी है ना मुझे उसकी जरूरत है ना मैं मांगती हूँ, इसे मैं ले जाऊंगी हमेशा के लिए। मुनीम जी। जी सरकार। मेरा वो गुलूबंद रख दिया। जी हाँ सरकार। ये है सरकार। ये नहीं मुनीम जी। हाँ ठहरो, याद आ गया। बहुरानी, इन लोगों ने मेरा सारा सामान तैयार कर दिया है। भला डॉक्टरों को कौन बताए कि हवा पानी बदल कर भी एक दिन मौत का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ना कहिए पिताजी, मैं तो ये मांगती हूँ कि आपके जीते जी ईश्वर मुझे उठा ले। बहुरानी, ऐसा नहीं हो सकता। बहुरानी, अभी इस घर को तुम्हारी सख्त जरूरत है, और फिर अपने पति की आखिरी निशानी को भी तो परवान चढ़ाना है ना। ये मैं नहीं निभा सकूंगी पिताजी। ये क्या कह रही हो बहुरानी? एक ने एक दिन ये बात कहनी थी। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। पिताजी मैं बहुत बदनसीब हूँ। अगर किसी दिन आपको ये मालूम हो गया कि मैं पापिन हूँ तो आप मुझे माफ कर देंगे ना?
ये क्या कह रही हो बहू रानी? पहले आप ये कह दीजिए कि आप मुझे माफ कर देंगे। अच्छा अच्छा जाओ सो जाओ, जाओ रात बहुत हो गई है। पगली ये शहर है या जंगल? कौन है? कौन है? कांता, मेरा तो ख्याल था आप किसी का खात्मा करना चाहें तो बगैर पिस्तौल के भी कर सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। 5 बरस में पहली मुलाकात? दूसरी। अच्छा भाई दूसरी, सही। अगर ये बात है तो नमस्ते। कांता, कांता, मुझे माफ कर दो कांता, आज मैंने फिर वही हरकत की जिससे तुम नाराज होकर चली गई थी। तुमने कभी सोचा कि इंसान अपनी गलतियों पर खून के आंसू भी बहा सकता है? तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत पछताया कांता, मैं बहुत पछताया। मगर तुम क्यों यकीन करने लगी? इंसान तो वही आंसुओं पर यकीन करते हैं जो उनके सामने बैठ कर बहाए जाए, चाहे वह झूठे क्यों ना हो। मैंने तुम्हें बॉम्बे के कोने कोने में तलाश किया कांता। एक बात कहूं कांता, जब आज मैं तुमसे मिलकर वापस आ रहा था तो मैंने दूर से अपने बच्चे को देखा, मेरे दिल पर छुरियां चल गईं कांता। इसका मतलब यह है कि आप मुझे और मनोहर को अपना लेंगे? हाँ कांता, अपनाऊंगा ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी तुम्हारे कदमों पर कुर्बान कर दूंगा। तो मुझे मौका तो दो। आज मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे आपने मुझे उम्र भर की कैद से छुड़ा लिया है। अब मुझे किसका डर है? मैं राणा साहब से जाके कह दूंगी मैं आपकी विधवा बहू नहीं, मैं सुहागन हूँ, मेरा सुहाग सलामत है। मैं कल ही सवेरे मनोहर को यहाँ लेकर आ जाऊंगी। कांता, जमाना बदल गया है मगर तुम्हारा भोलापन नहीं गया। अरे होगा वही जो तुम चाहती हो मगर इस तरह नहीं। मेरा मतलब ये कि सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। मतलब? मतलब ये कि तकदीर ने जिस तरह शतरंज के मोहरे सजा दिए हैं, अगर वो वैसे के वैसे रहे तो हमारी जीत है। राणा साहब ने तुम्हें बहू राय समझ ली, जगह पर कायम रहोगी और हमारा बच्चा सारी जायदाद का वारिस रहेगा। हा? मैं समझी नहीं। तुम्हारे लिए इतना ही समझना काफी है कि तुम मेरी धर्म पत्नी। आपको शायद मालूम नहीं है कि जो जायदाद का असली वारिस है वो इस वक्त हवेली में मौजूद है। क्या? हाँ, शोभा और उसका लड़का पृथ्वी दोनों आश्रम से यहाँ आ गए हैं। शोभा? हाँ। कौन शोभा? ओह, वो अभी जिंदा है? हाँ। वो मरी नहीं? नहीं, वो यहाँ मौजूद है। नौकरों के खोली में रहती है। और वो और क्या? पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई है कि मैं डर रही हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि राणा साहब को मुझ पर शक हो गया है। शक हो गया? शक हो गया? अब सोचने का मौका नहीं। आओ
ये लो, एक लहमा जाया मत करो, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? पृथ्वी के खाने पीने की चीज में मिला दो, और याद रखो उस मौके पे तुम्हारे हाथ कांपे तो धोखे के जुर्म में जेल हो जाएगी, मैं नौकरी पैसे निकाल दिया जाऊंगा, हमारा बच्चा गली कूचे में भीख मांगता फिरेगा भीख। तुम फौरन काम को अंजाम देकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आओ जल्दी आओ। बेवकूफ कहीं के, कौन है? को कैसे समझाऊं कि अकेले रहने में खतरा है, और कल राणा साहब भी तो जा रहे हैं। बाबा मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। आओ मेरे साथ बेटा। तू कहां गई थी माँ? मुझे डर लग रहा है माँ। अच्छा अच्छा, अब तो मैं आ गई हूँ, जाओ तो। क्यों माँ? अच्छे बच्चे जिद नहीं क्या करते, जाओ। आओ बेटा। ये क्या बहू रानी जी? ठीक है, यहाँ सो जाओ बेटा। ये बहुत अच्छा है माँ, मैं कल भी इस पर सो लूँ? हाँ हाँ बेटा, ईश्वर ने चाहा तो तुम सारी उम्र इसी पर सोया करोगे। बहू रानी जी? हाँ बहू रानी। ये धोखा, मुझसे धोखाबाजी, तू जानती है इसका नतीजा क्या होगा? के पीछे खड़ी हो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो जानती हो नतीजा क्या होगा? खोलो दरवाजा। चालबाजी, धोखेबाज, झूठी, अब तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। बोल बोल। किसे कह रहे हैं? किसे कह रहा हूँ? शोभा और उसका बच्चा का। बोल। छोड़ दीजिए।
और कहाँ है? कौन से कमरे में? इस कमरे में। ये तुमने क्या किया? बहुरानी, क्या हुआ? बहुरानी, रुक नहीं, रुक नहीं, ये मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। बहुरानी, मुनीम जी, सरकार, क्या हुआ? क्या हुआ? बहुरानी, पिताजी, क्या हुआ बहुरानी? पिताजी, क्या हुआ बहुरानी? पिस्तौल, सरकार, पिताजी, मुनीम जी, जल्दी आइए। ये खून कैसा? सच्चाई जीत गई पिताजी। मैंने सरकार उठाइए मुनीम जी, जल्दी करिए। पाप धुलना था, धुल गया पिताजी, धुल गया पिताजी। जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी जाइए। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बहुरानी, मैं आपकी बहुरानी नहीं हूँ, मैं आपकी बहुरानी नहीं हूँ, शोभा आपकी बहुरानी है, उससे जाके पूछो, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। सुना तो पिताजी, मुझे कहने दीजिए, आपकी मेहरबानी से मैं हर तरह से खुश थी, हर तरह से। लेकिन जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि शोभा उसका लड़का पृथ्वी जिंदा है, तो मेरी आत्मा चीख रही है, पिताजी आज जो भगवान मुझे छुटकारा दे रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बुरी नहीं हूँ पिताजी, मैं बुरी नहीं हूँ, मेरी किस्मत बुरी है, मेरी किस्मत बुरी है पिताजी। जो शांति मुझे अपनी जिंदगी में नहीं मिली, वो बाप के बाद मिल जाए पिताजी, पिताजी। कांता, तुम नहीं मर सकती, तुम्हें अपने बच्चे की खातिर जिंदा रहना होगा। कांता, तुम नहीं मर सकती। कांता, नहीं नहीं, कदमों में नहीं कांता, मैं अपने गुनाहों के बोझ से दबा जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें यह कहने के लिए आया था कि अगर भगवान ने हमें फिर मिलाया तो मैं जितना बुरा हूं उससे ज्यादा अच्छा बनकर दिखाऊंगा। अपने मनोहर का ख्याल रखना। राणा साहब, बचने की उम्मीद बहुत कम है। उस पर उम्मीद रखो डॉक्टर। पिताजी, कौन? डॉक्टर, पिताजी, कुंवर, कुंवर, मेरा कुंवर। पिताजी, कौन? पिताजी, शोभा, कुंवर, 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 आइए पिताजी। मैं आ गया पिताजी, मैं मरा नहीं। मैं जानती थी। छोटू सरकार, मैं कैद हो गया था पिताजी। मेरे बच्चे, मैंने कहा था मैं जरूर वापस आऊंगा। मैं आ गया शोभा, मैं आ गया शोभा, मैं आ गया शोभा। कुंवर, मेरे बच्चे, कहाँ चले गए थे कुंवर? पिताजी, कुंवर, शोभा, शोभा, बहुराम, शोभा, कौन नहीं बोलना, मेरे पिताजी हैं। वाले तुझे एक बार मन कसतार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन कसतार,
राही मत वाले, राही मत वाले, राही मत वाले। जैसे मुसाफिर पाए वतन में चैन है वैसा तेरे नैन में, घर तेरा अपना घर लागे जाए कहाँ मन इसके आगे जाए कहाँ, मिली मन की डगर से तेरी गली, मिली मन की डगर से तेरी गली। कभी है गम कभी खुशियाँ यही तो जिंदगानी है, कभी लब पर हंसी है और कभी आँखों में पानी है। कुछ भी ना बोलेंगे, कुछ भी ना